राम लखन एक कल्ट मूवी क्यों है? क्या इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए? क्या इस फिल्म के सीक्वल में टाइगर श्रॉफ नजर आ सकते हैं? और इस फिल्म के सेट पर ऐसा क्या हुआ था कि अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर ने सालों तक बात नहीं की? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। दोस्तों, सुभाष घई ने 31 साल पहले एक फिल्म बनाई थी, राम लखन। आज इस फिल्म को 31 साल पूरे हो चुके हैं। वह बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लोगों को बेहद पसंद आई थी और आज भी जब टीवी में आती है तो लोग बड़े शौक से देखते हैं। ये फिल्म थी दो भाइयों की कहानी जिसमें अच्छाई और बुराई के प्रस्पेक्टिव को सामने लाया गया था। फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ बने थे राम लखन। कहानी के साथ साथ इस फिल्म के गाने भी लोगों को बेहद पसंद आए। आज भी कुछ वर्ग के लोग इसे काफी पसंद करते हैं, इन गानों को सुनना पसंद करते हैं और इन गानों में डांस करना बेहद पसंद करते हैं, जैसे राम लखन का माय नेम इज लखन और इसके अलावा तुझे याद किया और मेरे दो अनमोल रतन। ये ऐसे गाने हैं जिन्हें आज भी लोग सुनना और इनमें डांस करना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के अलावा माधुरी दीक्षित, गुलशन ग्रोवर भी नजर आए थे। इसके अलावा इस फिल्म को एक और फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। माधुरी दीक्षित को अनिल कपूर के बचपन के प्यार के रूप में दिखाया गया था। दोस्तों, इसी फिल्म के बाद गुलशन ग्रोवर का नाम पड़ा था बैड मैन, क्योंकि वो एक गैंगस्टर थे और इस फिल्म में उनका डायलॉग बहुत हिट हुआ था बैड मैन करके। दोस्तों, इस फिल्म के सेट पर अनिल कपूर और गुलशन ग्रोवर के बीच लड़ाई हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि अनिल कपूर ने गुलशन ग्रोवर को एक सीन के दौरान गलती से उनकी आंख में मार दिया था। उसके बाद गुलशन इतने नाराज हो गए कि अगले दिन वो अनिल कपूर के घर गए और अनिल कपूर को खरी खोटी सुना दी। अनिल पहले सुनते रहे लेकिन उसके बाद वो भी गुस्सा गए और उनको फटकार लगा दी। इसके बाद इन दोनों लोगों के बीच सालों तक बात नहीं हुई, इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया, लेकिन कुछ सालों बाद इन दोनों के बीच सुलह हो गई। दोस्तों, ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक फिल्म है और इसका सीक्वल जरूर आना चाहिए। इसके सीक्वल के बारे में बातचीत भी हो रही है और राम का रोल तो जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ को ही करना चाहिए, लेकिन लखन कौन बनेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को।